हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है अभी अमेज़ोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है और यहाँ पर 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक सभी चीज़ों पे यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में अमेज़ोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है और इस सेल में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली चीज़ है वो होते हैं स्मार्टफोन। तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो भी बहुत ज़्यादा सस्ते बिक रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रेट है स्मार्टफोन की वो कम हो गई है आम दिनों से। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यहाँ पर बाय होते हैं, लेकिन इस सेल में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पर उनको कौन सा फ़ोन बाय करना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सबसे बढ़िया और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ऐसे 5 फ़ोन लेके आया हूँ जो कि आपको 10,000 रुपये के आसपास मिल जाएंगे अमेज़ोन की इस सेल में। दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपये खर्च करना चाहते हैं किसी फ़ोन में और यहाँ पर आप अमेज़ोन की सेल से कोई फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो आप इन 5 फ़ोन में से कोई सा भी फ़ोन बाय कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए बेस्ट फ़ोन ढूंढ के लाया हूँ। यहाँ पर मैंने अमेज़ोन पे बहुत सारे फ़ोन देखे हैं, बहुत सारे मैंने इनके रिव्यू भी देखे। तो यहाँ पर मैंने इन फ़ोन के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, यूट्यूब पर भी मैंने पढ़ा, अमेज़ोन पर मैंने पढ़ा और यहाँ पर मैंने लोगों के रिव्यू देखे और मैं आपके लिए 10,000 की प्राइस में सबसे ज़्यादा बढ़िया फ़ोन लेके आया हूँ जो कि इस वक्त अमेज़ोन पे सेल के अंदर चल रहे हैं, यानी कि सेल में मिल रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इन फ़ोन को बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको पैसों का भी फ़ायदा होगा और यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया चीज़ भी मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उन 5 फ़ोन्स को अपने कार्ट के अंदर ऐड कर लिया है जिससे कि मैं आसानी से आपको वो फ़ोन दिखा सकूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला फ़ोन है ऑनर 7X ब्लू, 4GB रैम, 32GB स्टोरेज वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनर की तरफ से ये फ़ोन है और यहाँ पर इस पर 29% ऑफ चल रहा है स्टैम्प सेल पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो है इस वक्त 9,999 रुपये और ये जो इस पर सेल चल रही है ये ख़त्म हो जाएगी 14 घंटे 7 मिनट बाद। तो अभी आपके पास समय है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। मैं आपको इसके फ़ीचर्स वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा दिखने में ये फ़ोन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनर की ब्रांडिंग यहाँ पर नीचे फ़ोन के अंदर दी हुई है। और पीछे की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ आपको यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 2 कैमरे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कितने कितने मेगापिक्सल के यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरा मिल जाते हैं, एक है 16 मेगापिक्सल का और दूसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, यानी कि आपको बैक साइड में 2 डुअल कैमरा मिल जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा विद पोर्ट्रेट मोड। और दोस्तों, यहाँ पर आपको इसकी डिस्प्ले मिल जाती है 5.93 इंचज़ की जो कि फुल HD प्लस कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले है और इसका रेजोल्यूशन है फुल HD। और यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाती है 4GB रैम, यहाँ पर आप डुअल सिम इसके अंदर लगा सकते हैं और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और इसके अंदर आपको 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है जिसको आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगाकर। यहाँ पर आप इसके अंदर एक 4G सिम लगा सकते हैं और एक 2G सिम लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप जाकर अमेज़ोन पे इसकी जो फ़ीचर्स हैं वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ोन हैं जिनको मैं लाया हूँ यहाँ पर, इनसे ज़्यादा बेस्ट डील आपको अमेज़ोन पर अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगी। दोस्तों, हमारा दूसरा फ़ोन है लेनोवो K8 Note। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन के ऊपर 39% ऑफ चल रहा है फिलहाल और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया बात इस फ़ोन की ये है कि यहाँ पर जो अमेज़ोन आपको ये फ़ोन देगी वो न्यू सिस्टम अपडेट के साथ देगी, यानी कि जो भी इसमें नई अपडेट चल रही होगी उसको अपडेट करने के बाद आपको ये फ़ोन भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आप इस फ़ोन का लुक देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको इसके अंदर फ्रंट में एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है और साथ में फ्लैश लाइट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और दोस्तों, इसकी जो स्क्रीन है वो है 5.5 इंच की और बैक साइड में आपको यहाँ पर डुअल कैमरा मिल जाते हैं, एक है 13 मेगापिक्सल का, एक है 5 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके साथ मिल जाता है, बैक में यहाँ पर आपको एक फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके बाकी फ़ीचर्स के बारे में। दोस्तों, आपको इस फ़ोन के अंदर डुअल कैमरा मिल जाते हैं, बैक साइड में एक है 13 मेगापिक्सल का और एक है 5 मेगापिक्सल का। दोस्तों, यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है जो कि 13 मेगापिक्सल का और यहाँ पर आपको फ्रंट में एक फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 5.5 इंच की इसमें फुल HD IPS टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है जिसका रेजोल्यूशन है 920x1080 पिक्सल्स। यहाँ पर दोस्तों, आपको इसके अंदर 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है जिसको आप 128GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप इसमें डुअल सिम यूज़ कर सकते हैं और साथ में एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको इस फ़ोन में मीडिया टेक का
डेका कोर प्रोसेसर मिल जाता है जिसकी स्पीड है 2.3 GHz। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसके अंदर 4000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी है। तो दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको 10,000 रुपये में 4 GB RAM और 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। साथ में आपको इसके अंदर अच्छा खासा प्रोसेसर मिल जाता है और यहाँ पर आपको बैटरी जो है वो भी अच्छी खासी मिल जाती है। और दोस्तों जो कैमरा है वो भी यहाँ पर आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपको ये फ़ोन सजेस्ट करूँगा कि आप अगर 10,000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो आप ये फ़ोन जो है बाय कर सकते हैं। और मैंने इस फ़ोन के बहुत सारे रिव्यू देखे हैं यूट्यूब पर, तो मुझे इस फ़ोन के जो है बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू दिखे हैं अभी तक यूट्यूब पर। दोस्तों हमारा तीसरा फोन है सैमसंग गैलेक्सी ON7 Prime। दोस्तों अगर आपको सैमसंग कंपनी जो है काफी ज्यादा अच्छी लगती है और यहाँ पर आप जो है सैमसंग कंपनी के लवर हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा शो ऑफ करना अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप सैमसंग का ये फ़ोन खरीद सकते हैं। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि ये फ़ोन आपके सिर्फ शो ऑफ के काम आएगा, ये फ़ोन परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको इसके अंदर 10,000 के आसपास पैसों में आपको इसके अंदर 4 GB RAM और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि सैमसंग के फ़ोन में इतने कम पैसों में यहाँ पर 4 GB RAM और 64 GB इंटरनल स्टोरेज नहीं मिलती। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ़ोन पर अभी 27% की ऑफ चल रही है, यानी कि 27% ऑफ चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लुक में आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका लुक है और बाकी सैमसंग के फ़ोन की तनाई दिखने में इसका जो है लुक है। पीछे से आप देख सकते हैं इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको जो ब्रांड का भरोसा है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। दोस्तों इसकी जो प्राइस चल रही है वो अभी चल रही है 10,990 रुपये और इसकी जो MRP है वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,990 रुपये। लेकिन अमेज़ोन पर कुछ दिन पहले ये जो फ़ोन है वो चल रहा था, कल तक यानी कि ये फ़ोन चल रहा था 13,990 रुपये का। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील है मेरे हिसाब से, अगर आप जो है बड़ी कंपनी के लवर हैं और आपको जो है बड़ी कंपनी के जो स्मार्टफोन है वो चलाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ये फ़ोन बिना कुछ सोचे समझे बाय कर सकते हैं। दोस्तों 10,990 रुपये की प्राइस में आपको बहुत ही ज़्यादा सैमसंग की तरफ से अच्छा खासा फ़ोन मिल रहा है जिसमें आपको अच्छी खासी इंटरनल स्टोरेज, अच्छे खासे लुक और अच्छी खासी रैम यहाँ पर मिल जाती है। मैं आपको इसके बाकी फ़ीचर्स के बारे में अभी यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको इसके अंदर 13 MP का रियर कैमरा मिल जाता है विद ऑटो फोकस एंड रियर फ्लैश और यहाँ पर आपको 13 MP का फ्रंट कैमरा ही आपको इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि बैक में भी आपको 13 MP का कैमरा मिल रहा है और फ्रंट में भी आपको 13 MP का कैमरा मिल रहा है। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि सैमसंग की कैमरा क्वालिटी कैसी होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाती है जिसका रेजोल्यूशन है 1080x1920 pixels और यहाँ पर आपको 2.5D का गोरिल्ला ग्लास यहाँ पर इसके अंदर मिल जाता है जिससे कि दोस्तों फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपके हाथ से फ़ोन गिर भी जाता है तो आसानी से जो इसकी स्क्रीन है वो टूटेगी नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बढ़िया मुझे बात लगी वो ये है कि यहाँ पर आपको 4 GB RAM 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। दोस्तों आपको इसके अंदर 1.6 GHz का ऑक्टा कोर Exynos 7870 प्रोसेसर मिल जाता है। दोस्तों आपको इसके अंदर 3300 mAh की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है जो कि तो आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करा देगी। दोस्तों अब बात करते हैं अपने चौथे फ़ोन के बारे में और हमारा चौथा फ़ोन है Redmi Y2 Gold, 4 GB RAM 64 GB इंटरनल स्टोरेज और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर 19% ऑफ इस वक्त चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको इसके अंदर 10,999 रुपये में 4 GB RAM और 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। और दोस्तों अगर आप Xiaomi की फ़ैन हैं और आपको MI के मोबाइल जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर मैं सैमसंग के फ़ोन या फिर लेनोवो का फ़ोन ज़्यादा इस पर प्रेफर करता हूँ आपको। आप जो हैं सैमसंग का जो मैंने अभी फ़ोन दिखाया था आपको, या फिर लेनोवो का फ़ोन ले सकते हैं इसकी जगह। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसके जो है लुक दिखा देता हूँ, इसके फ़ीचर्स के बारे में बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसको भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका लुक आप देख सकते हैं, फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको एक कैमरा मिल जाता है और इसके फीचर्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर बैक साइड में आप देख सकते हैं, बैक साइड से भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा फ़ोन है। और इसके लुक की बात करें तो दोस्तों इसका जो लुक है वो सैमसंग के और लेनोवो के फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। दोस्तों यहाँ पर आपको इसके बैक साइड में दो कैमरा मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको एक फ्लैश LED लाइट मिल जाती है और साथ में आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। दोस्तों आपको फ़ोन की बैक साइड में डुअल कैमरा मिल जाते हैं, एक है 12 MP का और एक है 5 MP का। दोस्तों यहाँ पर आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है।
जिसमें आपको एलईडी फ्लैशलाइट भी मिल जाती है। दोस्तों इसकी डिस्प्ले है 5.99 इंच की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको फुल एचडी डिस्प्ले नहीं मिलती। इसका रेजोल्यूशन है दोस्तों 1440x720 पिक्सल्स। और यहाँ पर दोस्तों आपको इसके अंदर 4 GB रैम मिल जाती है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसको आप 256 GB तक मेमोरी कार्ड लगाकर एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है वो है एंड्रॉयड वर्जन 8.0 ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों इसके अंदर आपको 2.0 GHz का कॉर्टेक्स A53 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल रहा है। दोस्तों इसके अंदर आपको 3080 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फीचर्स जो हैं इसके ठीक ठाक हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो लेनोवो का फ़ोन था उसके अंदर इससे ज़्यादा फीचर्स यहाँ पर आपको मिल रहे थे। और मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप चाहें तो लेनोवो का फ़ोन इसकी जगह ले सकते हैं, या फिर आप सैमसंग का फ़ोन इसकी जगह ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने कुछ एक बार नोटिस करी है एमआई के मोबाइल्स में कि एमआई के जितने भी मोबाइल होते हैं उसकी जो डिस्प्ले है वो जल्दी टूट जाती है। यानी कि अगर आपके हाथ से एमआई का फ़ोन गिर जाता है तो उसकी जो डिस्प्ले होती है वो जल्द ही टूट जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ़ोन के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन है मोटो E5 Plus। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटो E5 Plus इसका मॉडल नंबर है, और यहाँ पर इसके ऊपर 23% तक ऑफ स्टैम्प चल रहा है। आपको सामने से कुछ इस तरह का फ़ोन देखने को मिल जाता है, पीछे की साइड से आपको कुछ इस तरह का फ़ोन जो है देखने को मिल जाता है। लुक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा लुक है इसका। लेकिन दोस्तों इस फ़ोन में जो है आपको दूसरे फ़ोन से जो भी मैंने आपको अभी फ़ोन दिखाए थे उनसे ज़्यादा कम आपको इंटरनल स्टोरेज और यहाँ पर आपको जो रैम है वो कम मिल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है मोटो की तरफ से एक ब्रांड का भरोसा। दोस्तों इस फ़ोन की जो प्राइस है वो चल रही है 9999 रुपये, और ये प्राइस भी कुछ ही टाइम के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइस जो है एंड हो जाएगी, यानी कि ये सेल ख़त्म हो जाएगी 13 घंटे 47 मिनट 4 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से इसके फीचर्स जो हैं बता देता हूँ। दोस्तों आपको इस फ़ोन के अंदर 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है विद ऑटो फोकस एंड एलईडी फ्लैश, और यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है फ्रंट में। दोस्तों आपको इस फ़ोन में 6 इंच की HD+ मैक्स विजन IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है, जिसका रेजोल्यूशन है 1440x1440 पिक्सल्स। और दोस्तों आपको इस फ़ोन के अंदर 3 GB रैम मिल जाती है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसको आप 128 GB तक मेमोरी कार्ड लगाकर एक्सपेंड कर सकते हो। दोस्तों आप इसके अंदर 2 4G SIM लगा सकते हैं, और आप इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। दोस्तों आपको इस फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है वो है एंड्रॉयड 8.0 ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पर आपको इसके अंदर 1.4 GHz का स्नैपड्रैगन 430 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल रहा है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है इस फ़ोन की वो मुझे ये लगी है कि यहाँ पर आपको इसके अंदर जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको इसके अंदर 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल रही है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसको भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही है। दोस्तों जितने भी फ़ोन मैंने आपको दिखाए हैं इससे ज़्यादा बढ़िया फ़ोन आपको 10,000 की रेंज में, यानी कि 10,000 के आसपास आपको इससे ज़्यादा बढ़िया फ़ोन दोस्तों कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ ही टाइम की सेल चल रही है अमेज़ॉन पे, और ये सेल जब ख़त्म हो जाएगी तो इन फ़ोन की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप 10,000 रुपये स्पेंड करना चाहते हैं किसी फ़ोन में, और 10,000 रुपये का कोई फ़ोन बाय करना चाहते हैं, तो आप इन 5 फ़ोनों में से कोई सा भी फ़ोन बाय कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो फ़ोन है ये बेस्ट रहेंगे आपके लिए। दोस्तों इससे ज़्यादा बढ़िया फ़ोन आपको 10,000 की रेंज में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नहीं तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नहीं मिलेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।